दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती है। इस वीडियो में आपको यहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा से दो नोटिफिकेशन बताऊंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों। एक एडमिशन को लेकर है, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर है, और संपर्क कक्षाओं को लेकर नोटिफिकेशन है। और जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है उसमें आपको ए टू जेड जानकारी दिया जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम होना, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, कब एग्ज़ाम होगा, कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, कितनी सीटें हैं, क्या फीस है, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस और फाइनल का यहाँ पर संपर्क कक्षाएं लगने वाली ऑनलाइन माध्यम से 8 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर तक, और छुट्टी के दिनों में बंद रहेगी, तो मंडे टू सैटरडे रोज होगा। तो एमए राजनीति विज्ञान पूर्वार्ध का टाइमिंग 11 से 1 बजे, और फाइनल इसी का एमए राजनीति विज्ञान का अंतिम का 3 से 5 बजे ऑनलाइन होगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को भेज दिया जाएगा, तो उसमें आप चेक कीजिएगा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है आपका। और जो छात्र व ग्रुप में नहीं जुड़े उनके लिए स्क्रीन पर ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कॉन्टैक्ट करके आप लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिंक मिल पाएंगे। उसके बाद जो एडमिशन का नोटिफिकेशन है, ये MBA में एडमिशन के लिए, इसके जो इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से इसका एडमिशन होगा, तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं आज से लेके 30 अगस्त तक, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए एडमिट कार्ड 4 सितंबर को डाउनलोड होगा, और इसकी प्रवेश परीक्षा 10 सितंबर को होगी 11 से 1 बजे। मॉडल उत्तर इसके जारी होंगे 11 सितंबर से, और इसमें दावा पत्र आप उसी दिन से कर पाएंगे 13 सितंबर तक। उसके बाद इसकी मेरिट लिस्ट जारी होगी, यानी कि रिजल्ट जारी होगा, उसमें भी दावा आपत्ति आप लोग कर पाएंगे 15 सितंबर तक। दावा आपत्ति ऑनलाइन किया जाएगा, ईमेल पर आपको करना होगा MBA PSSOU2023@gmail.com पर दावा आपत्ति कर पाएंगे। उसके बाद जो फाइनल लिस्ट जारी होगी वो 18 सितंबर को जारी होगी, और एडमिशन की लास्ट डेट 30 सितंबर होगी, 18 से लेकर 30 सितंबर तक आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। और उसके बाद देखिए इसमें जो नोटिफिकेशन दिया गया है पूरा आपको डिटेल में हर चीज़ मैं यहाँ पर बताता हूँ। और देखिए आवेदन के लिए 1000 रुपये लगेगा, जो कि आज से चालू हो चुका है, ऑनलाइन आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो है क्या होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक में 50% नंबर चाहिए, और ST SC OBC के लिए 45% पाने वाले भी इसमें शामिल हो पाएंगे। छूट किन को प्राप्त है, जिन्होंने CAT XAT MAT आदि किया है प्रवेश परीक्षा, जो कि MBA के लिए होता है, तो ऐसे स्टूडेंट को प्रवेश परीक्षा से जो है छूट दी जाएगी, और इनके मेरिट के आधार पर ही इनको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि टाई हो जाता है किसी का नंबर, तो जिनकी उम्र अधिक रहेगी उनको एडमिशन में टॉप पर उनको रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में आपको किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना है, आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है खुद चेक कीजिए। UG में 50% होनी चाहिए, और ST SC OBC के लिए 45% भी चलेगा, तो सिर्फ ये फॉर्म भरने, किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको अटैच नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश पर जो है 1000 सीटों पर इसका एडमिशन होगा, और जो है अध्ययन केंद्र यहाँ पर जो है इसका जो अध्ययन केंद्र रहेगा वो मुख्यालय बिलासपुर में ही होगा, पूरी स्टडी वहाँ पर ही होगी। एक सेमेस्टर का शुल्क 9800 रुपये रखे गए, तो 2 साल का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर का 9 × 36 = 38 39,000 कुछ इसका होगा, मैं आपको आगे फीस बताऊँगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, लेकिन जो कोर्स होगा इंग्लिश में होगा, ठीक है। उसके बाद इसका 2 वर्ष का होता है 4 सेमेस्टर में, और उसके बाद यहाँ पर परीक्षा जो होगी प्रवेश परीक्षा, उसका परीक्षा केंद्र जो है 5 संभागीय मुख्यालय यानी कि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और जगदलपुर में होगी। अगर
स्टूडेंट कम होंगे तो इसके लिए सेंटर को चेंज भी कम किया जा सकता है, ये बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा अगर ऐसी संभावना हुई तो। उसके बाद यहाँ पर और भी नोटिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसके जो एडमिट कार्ड होंगे उसको आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जो कि डेट मैंने बताया ऊपर। उसमें इसके दो भाग होंगे, एक प्रवेश पत्र होगा, एक परीक्षा उपस्थिति पत्र होगा। तो इसको अलग कर लेना है, प्रवेश पत्र को काट कर अलग कर लेना है और उपस्थिति पत्रक में अपने फोटो लगाकर उसमें साइन करके रखना है। और भाग दो जो कि उपस्थिति पत्रक होगा, परीक्षा हॉल में शिक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना है, ठीक है, तभी आपको उपस्थित माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए फीस के बारे में बताया गया, टोटल 19,601 साल का लगेगा, 2 साल का मतलब 38,39,200 रुपये टोटल लगेगा, 39,200 रुपये। अब इसी को यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है कि पास्ट बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर ड्यूरेशन विद फील्ड टेस्ट 50%, ठीक है, वही यूजी आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग फीस दिया गया है, रजिस्ट्रेशन की 500 रुपये हर सेमेस्टर में लगेगा, डेवलपमेंट चार्जेस हर सेमेस्टर में 1,000 रुपये लगेगा, ट्यूशन फीस 5,000 लगेगा हर सेमेस्टर में, SLM डेवलपमेंट चार्जेस 1,000-1,000 रुपये चारों सेमेस्टर में लगे, सेल्फ लर्निंग मटेरियल का मतलब 4 सेमेस्टर का 4,000, पोस्टेज चार्ज लगेगा 300 रुपये हर सेमेस्टर में, एग्जामिनेशन फी TMA एंड TEE ये भी 1,000 रुपये हर सेमेस्टर में लगेगा। तो एक एक सेमेस्टर का 9,800 रुपये हो जा रहा है, तो 4 सेमेस्टर का 39,200 रुपये टोटल फीस आपको लगने वाला है। अब इंट्रेंस एग्जाम के बारे में देख लेते हैं, तो 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन ए में एनालिटिकल एबिलिटी, डाटा सफिशियंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 25 क्वेश्चन। सेक्शन बी में मैथमेटिकल एबिलिटी रहेंगे, जिसमें अरिथमेटिकल एबिलिटी, अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली एबिलिटी, स्टैटिकल ये सब रहेंगे। कम्युनिकेशन एबिलिटी में वोकैबुलरी, बिजनेस एंड कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, फंक्शनल ग्रामर, रीडिंग कंप्रहेंशन। सेक्शन डी में जनरल नॉलेज रहेगा, इंक्लूडिंग करंट अफेयरेंस, रजिस्टर्ड जनरल नॉलेज। तो टोटल 100 नंबर का ये इंट्रेंस टेस्ट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, हर क्वेश्चन के लिए लिखना 1 नंबर रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेंगे। पास होने की जो इसमें जो चाहिए मिनिमम मार्क्स 40%, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपके आने चाहिए तब आप पास होंगे और तब जाके आपका एडमिशन होगा। तो ये सारी जानकारी थी MBA के इंट्रेंस टेस्ट और एडमिशन को लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।